इस रावण के पुतले को बनाने में लगभग 18 लाख रुपए का खर्च आया है। इसमें 25 क्विंटल के करीब लोहा लगा है। निर्माण कार्य के खर्च के लिए मुझे अपनी पुश्तैनी जो मेरी जमीन थी लगभग 12.5 एकड़ कई सालों के बीच में वो बेचनी पड़ गई। मेरा नाम तेजिंदर चौहान है और मैं बराड़ा मेरा गांव है, अंबाला मेरा ज़िला है हरियाणा में, और वहीं का मैं रहने वाला हूं। 1987 में श्री रामलीला क्लब बराड़ा की मैंने स्थापना की थी अपने स्वर्गवासी पिताजी के कहने पर, और उसके तहत ही हमने पहली बार अपने कुछ साथियों के साथ मात्र 20 फीट का रावण का पुतला पहली बार बनाया था, और जो सिलसिला लगातार 2019 तक चलते चलते 221 फीट के रावण तक पहुंच चुका था, जिसको 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया गया। इसके अलावा एक बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, एक बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ये सिलसिला सबसे ऊँचे रावण बनाने का जो था वो सन 2000 से आरम्भ हुआ था। और इसके निर्माण कार्य के खर्च के लिए मुझे अपनी पुश्तैनी जो मेरी ज़मीन थी लगभग 12.5 एकड़ कई सालों के बीच में वो बेचनी पड़ गई, और दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनाने के लिए मैं जाना जाता हूं। इसके अलावा ये जो रावण का पुतला है ये इस बार यहाँ पर 171 फीट इसकी ऊंचाई है। इस रावण के पुतले को बनाने में लगभग 18 लाख रुपए का खर्च आया है। इसमें 25 क्विंटल के करीब लोहा लगा है। इसके अलावा इसमें 500 पीस 24 फीट हाइट के बांस का यूज हुआ है। इसमें 3000 मीटर के करीब वेलवेट का कपड़ा इस बार हमने इसकी पोशाक बनाने के लिए यूज किया है, और 2000 मीटर के करीब इस पर मैट इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो चेहरा है वो फाइबर ग्लास से बनाया गया है जिसका वज़न लगभग 1.5 क्विंटल है, और इसमें इको फ्रेंडली आतिशबाजी का यूज किया गया है, और रिमोट कंट्रोल की इसमें फिटिंग की गई है। एक अपनी धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अगर मुझे अपना जमीन जदाद बेचनी पड़ी तो मुझे उस बात के लिए कोई रंज ना गम किसी भी प्रकार का नहीं है। तो इस बात के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं कि नई पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति को जानने का मौका मिले इस रावण के पुतले के माध्यम से। पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत सी दिक्कतें इस प्रकार की आई, भरण पोषण तक का सवाल परिवार के सामने खड़ा हो गया, लेकिन जिनके नाम पे मैं ये खड़ा हुआ था उन्होंने फिर कुछ भी जरिया पैदा किया मेरे लिए, उन्होंने कुछ रास्ते खोले, तो जिनकी वजह से रूटीन में अपना हमारा जो खर्चा था वो चलने लग गया।